आज 1 अक्टूबर हमारा पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी आया कुछ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हाइस्ट रेनफॉल 134.6 बनारपल अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है। मुनीगुरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है 103.6 मिलीमीटर। कुचिंदा 97.4 संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। नारला कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है 96.0 मिलीमीटर। भंजनगर गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है 94.0 मिलीमीटर। इस तरह से रेनफॉल हुआ है, हैवी रेनफॉल भी हुआ है। अभी हम लोग कल जैसा एक्सपेक्ट किया था, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल उड़ीसा के उसका पास था, उसका प्रभाव में लघुचाप व लो प्रेशर होना था, होने का बोला था, और अभी हो चुका है। अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा कोस्ट का पास में हमारा एक लघुचाप फॉर्म हुआ है, लघुचाप तैयार हुआ है। अभी इसका प्रभाव हमारा उड़ीसा में रहेगा, अगला 4-5 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। तो अगला 24 घंटा में उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है। गंजाम बुलांगीर सोनपुर केवंझर मयूरभंज ये सब डिस्ट्रिक्ट में कालाहांडी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। कंधमाल बौद्ध अंगोल कटक पुरी नयागढ़ ढेनकानाल खुर्दा जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा जाजपुर भद्रक बालासोर संबलपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। और कल भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, बट कल भी नॉर्थ में थोड़ा नॉर्थ में वाइड स्प्रेड मीन्स मोस्ट प्लेसेस में और साउथ में मेनी प्लेसेस में रहने का चांसेस है। और हैवी रेनफॉल थोड़ा इंटेंसिटी कम हो सकता है, हैवी रेनफॉल नॉर्थ कोस्टल मीन्स बालासोर भद्रक जाजपुर केंद्रपाड़ा जगत सिंहपुर कटक पुरी केवंझर मयूरभंज देवगढ़ सुंदरगढ़ संबलपुर कंधमाल। फिर डे थ्री मीन्स तीन तारीख को रेनफॉल थोड़ा और फिर इंक्रीज होने का चांसेस है, उसमें हैवी टू इंटेंसिटी इंक्रीज होगा और रेनफॉल मोस्ट प्लेसेस में रहेगा। तो अभी अगला 4-5 दिन के लिए उड़ीसा में मोस्टली हल्का से मध्यम बारिश उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही रहने का चांसेस है, और उसका साथ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का भी चांसेस है, बट बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होने का चांसेस नहीं है। मॉडरेट रेनफॉल रहेगा, उसका साथ हैवी टू वेरी हैवी आइसोलेटेड रेट में एक दो जगह करके ही रहेगा। और फिशरमैन का वार्निंग है, क्योंकि ऑकेशनली कुछ टाइम में 40-50 स्क्वाली वेदर में विंड स्पीड जा सकता है, तो फिशरमैन को अगला 5 दिन तक समुद्र जाने के लिए मना किया है। भुवनेश्वर एंड कटक को दोनों हमारा कैपिटल सिटी एरिया में, इसमें जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, कुछ स्पेल्स एफ्यू स्पेल्स में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा, एक दो स्पेल्स इंटेंस बारिश भी होने का चांसेस है। और अभी हमारा पिछले 24 घंटा का तो विगोरस मॉनसून कंडीशन था, जैसा हमने बताया था बारिश भी ज़्यादा हुआ है। अभी हमारा क्लाइमेटोलॉजिकली 1 अक्टूबर से पोस्ट मॉनसून शुरू स्टार्ट होता है, बट हमारा एरिया भी अभी मॉनसून तो है, मॉनसून का फ्लो है, मॉनसून का ही मॉनसून लो भी है। बट बारिश का हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स ये करते हैं यूज़ करते हैं, उसमें मॉनसून सीजन के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ही करते हैं, तो उसका कल ही हमने बता दिया था हमारा उड़ीसा में मॉनसून का नॉर्मल बारिश ही हुआ है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेस हुआ है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डेफिशिएंट है, 3 डिस्ट्रिक्ट में मार्जिनली और भी है, और बाकी आधा 25 डिस्ट्रिक्ट्स में स्वाभाविक हुआ है। यही है, ओके।